दोस्तों बात करने वाले इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब पीरियड ऑफ स्टॉक के बारे में। देखो पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आज एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट हमारे सामने देखने को मिल रही है। देखो करंटली स्टॉक एमएसआई इंडेक्स में शामिल है। एंड दोस्तों एमएसआई का रिव्यू हुआ एंड उसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी पीरियड है इसका दोस्तों इनफ्लो बढ़ाने को लेकर एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट आई है। मतलब अगर बताऊं मैं तो दोस्तों $17 मिलियन का इन्वेस्टमेंट स्टॉक में आ सकता है। तो अपडेट पूरा बताऊंगा उससे पहले देखो यहाँ पे ये भी हम देखने वाले कि लोअर सर्किट कहाँ से जाकर खुलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या यहाँ पे रखना चाहिए लोअर सर्किट खुलने के बाद, क्योंकि भाई वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और 213-214 रुपए तक के हाई क्रिएट किया, उसके बाद रेगुलर डेली बेसिस कर यहाँ पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। कई लोगों को प्रॉफिट था वो लॉस में आ चुके हैं, कई लोगों को टॉप पे खरीदा तो वो करंटली एक बड़े हेवी लॉस में देखने को मिल रहे हैं। देखो रिवर्सल कब होगा, क्योंकि देखो हमें एक चीज की चिंता होती है। देखो एक चीज समझना, चलो मानते हैं 200 रुपए से गिर रहा है ठीक है, बट इम्पोर्टेंट ये कि भाई क्या 200 रुपए वापस जाएगा, और जाएगा तो कितना टाइम लेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है। पैसे रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम नहीं लेना चाहिए ऊपर जाने में, क्योंकि देखो लोअर सर्किट जिस हिसाब से लग रहे हैं उस हिसाब से चांस यही कि भाई स्टॉक 150 का लेवल भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डाटा समझना है, पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे भाई 22% तक ही गिर चुका है। एंड डेली बेसिस पे दोस्तों लगातार ये गिर रहा है, डाउन ट्रेंड स्टॉक ने अपना लिया है, एक हेवी सेलिंग हमारे सामने देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में भाई 2 गुना तक पैसा हुआ, तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके डेफिनेटली निकलेंगे। एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसलिए बड़े प्लेयर भी यहाँ पे गेम खेल सकते हैं ताकि रिटेलर्स यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि देखो मार्केट में लिक्विडिटी कम है। ऐसा नहीं कि देखो हाल ही के अंदर लिस्ट हुआ एंड फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैसा है आप सोच सकते हो, तो चीजें अच्छी है। एंड करंटली देखा जाए दोस्तों कितना यहाँ पे लोअर सर्किट टाइट है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों करंटली लोअर सर्किट एंड लोअर सर्किट एक हेवी सेलिंग के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। देख लो अराउंड 2 करोड़ 13 लाख करंट प्राइस पे सेलिंग हमें नजर आ रही है। अब जब तक दोस्तों एक चीज समझो, करंटली ट्रेड कर रहा है 160 रुपए पे ठीक है, 160 रुपए पे अगर कोई बाई करता है तो उसे बाई करना पड़ेगा कितना, 2 करोड़ 13 लाख, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भाई बैठ रहे कम से कम 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास। जब तक दोस्तों स्टॉक में आज अभी अगर 350 करोड़ का कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये लोअर से अपर में चला जाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि एमएसआई क्या बोल रहा है, करंटली लोअर सर्किट नहीं खुला तो डिलीवरी 100% रहेगी, जो भी शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं 100% है। दोस्तों जब लोअर सर्किट, देखो जब कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी 100% डिलीवरी में ही जाएगा, क्योंकि एकदम से जो भी करंट प्राइस पे लगे हुए उनको वो डिलीवरी में ही उठाएगा यहाँ पे। तो अब आप एक चीज समझो कि जो एमएसआई है वो क्या बोल रहा है, एमएसआई इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इसकी वैल्यू तभी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जब 213-14 पर गया था तो दोस्तों ओवरबोल्ड स्टॉक हो चुका था, पीई भी बहुत ज्यादा हाई जा चुका था एंड इतना इसको नहीं जाना था, बट ये गया है क्योंकि हमारे सामने बजट वगैरह की चीजें सामने थी तो गया, तो वो चीज हमारे सामने। अब इम्पोर्टेंट चीज हम देखिए एमएसआई का रिव्यू हुआ एंड एमएसआई में अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका पीएनबी जो ये बीएचसीएल यूनियन बैंक आ गया वगैरह जो भी स्टॉक है, जेवीएमआर एयरपोर्ट एंट्री यहाँ पे जो पेटीएम का यहाँ पे आउटफ्लो बढ़े मतलब इनफ्लो बढ़ेगा एंड जो भी है यहाँ का भी इनका वेटेज बढ़ सकता है, जिसमें दोस्तों इरेडा भी है, जोमेटो का भी यहाँ पे वेटेज बढ़ा है। एंड सबसे बड़ी चीज अगर मैं बताऊँ ना दोस्तों आपको इंडियन मार्केट के लिए, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों हमारे लिए कि जो एमएसआई था ना, एमएसआई भाई पहले इन्वेस्टमेंट देखो भारत का प्रतिनिधित्व लगभग एमएसआई कर रहा था 7.9% के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट था इसका। फरवरी में इसने बदलाव करके भाई वेटेज को बढ़ा दिया है, कई कंपनी में इसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोची है तो इसने अपना वेटेज बढ़ाकर भाई 18.2 कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर। तो आप देख लो एमएसआई इतना आकर्षित तो रहा है इंडियन मार्केट से, क्योंकि भाई रिटर्न मिल रहा है, मार्केट रेगुलर ऊपर जा रहा है, मार्केट में ग्रोथ है यहाँ पे एंड ग्रोथफुल देश है डेफिनेटली, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेवलप हो चुका है, अब यहाँ पे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि इरेडा के अकॉर्डिंग क्या अपडेट है। देखिए इन स्टॉक में यहाँ पे इनफ्लो पड़ेगा मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, इनफ्लो का आउटफ्लो दो चीजें होती है, इनफ्लो आउटफ्लो, तो यहाँ पे इनफ्लो का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आता है, आउटफ्लो का मतलब इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है, तो यहाँ पे इनफ्लो बढ़ने वाला है। तो दोस्तों अगर देखा जाए अपडेट यहाँ पे तो फ्लो इनका बढ़ेगा, देखिए स्मॉल कैप में इरेडा के शेयरों में $17 मिलियन का फ्लो देखने को मिल सकता है, $17 मिलियन का इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इरेडा में आ सकता है। तो ये बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट है भाई, ये लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, शॉर्ट टर्म हम अभी का देख रहे हैं, ये दोस्तों आने वाले 5-7 साल बाद का देख रहे हैं कि उस टाइम ये क्या हुआ, किस लेवल पे जाएगा। करंटली इरेडा हर क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा है, हर क्वार्टर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, तो चीजें सही है। एंड यहाँ पे लोअर सर्किट से डरना नहीं, क्योंकि 10 जब
स्टॉक का सर की लिमिट बढ़ेगी ना दोस्तों, तो ये करंटली इसको 4-5 दिन में कवर कर लेगा। एंड लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा समझे भाई, ये लेवल पे दोबारा नहीं मिलेगा। जब एक बार ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे नहीं आए, कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम 153 का बन रहा है, या तो 153 से पहले रिवर्सल कर लेगा अगर सपोर्ट टूटता है तो। फिर भाई ये ऑल राउंड अगर देखा जाए तो ये इस लेवल तक, ठीक है ना, 135 रुपए के लेवल तक देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली वहां से ये रिवर्सल करने के पूरे चांसेस, क्योंकि RSI 30 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, एंड लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म वाले डरो मत, क्योंकि देखो ग्रोथ है स्टॉक की। एंड करंटली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे खरीद रहे हैं, रिटेल भी यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करना चाहो कर सकते हो, जो अभी के टाइम डरे रहे।